नंबर 38 दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th ये तेजाजी की देवली से जो अंदर की तरफ सड़क जा रही है उस सड़क और उसके आसपास की जो गलियां हैं उन समस्त गलियों में और इसके साथ ही शिव कॉलोनी के आसपास की जितनी गलियां हैं उन सब कॉलोनियों के नालियों का निर्माण करें आज शिलान्यास किया है 30 लाख रुपए की लागत से ये दोनों कॉलोनियों में नालियों का निर्माण कार्य किया जाएगा। सड़क की स्थिति ठीक है, पूर्व में भी दो बार मेरे द्वारा सड़कें बनाई जा चुकी हैं लेकिन नालियों के कारण से बार बार सड़क टूटती थी, इस वजह से नालियां बनाना बहुत नितांत आवश्यक था। चूँकि यहाँ पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो नालियाँ नहीं बना पाए थे तो हमने इनको नालियों को स्वीकृत किया है और ये विधायक कोष से ये 30 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं और अब जाकर के एक साल पहले इन्हीं गर्मियों के दिनों में मैं यहाँ आई थी और हमारे यहाँ पे जो राजेश घाटे जी हैं, सुंदर जी टाँक हैं, इन सब के साथ में मैं सारी गलियों में गई थी और जाकर के मैंने एक एक गली देखी थी, तब जाकर के वो एस्टीमेट बना और एक साल पहले जो काम स्वीकृत हुआ वो एक साल बाद में अब प्रारंभ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 महीनों में नालियों का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है वो समस्या यहाँ पर शेष नहीं बचेगी, इतना मेरा कहना है। ये अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यकारी एजेंसी है और मैंने उनको भी कहा है क्योंकि बहुत वर्षों बाद में नालियाँ बन रही हैं इसलिए नालियों की क्वालिटी ठीक ढंग से रहे, अच्छी प्रकार से नालियाँ बने, लेवल के द्वारा नालियाँ बने ताकि तुरंत ही आने वाले समय में फिर 10 साल तक किसी को नाली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। नालियों के लिए पैसा नहीं देता है, ठीक है ना, पर मैंने नालियों के लिए ही पैसा दिया स्पेशली, ठीक है। कुछ वाहनम धूपम दीपम निवेदम निवेदांत में आत्मनम गंधकम कुकुटगई गंधकम अक्षीतम चमचड़गई अक्षीतम पर 38 बोथ साइड का क्या मतलब होता है? दोनों तरफ है ना। तो चेतन में ताकत भी तो है। तो अटैक हुए ठीक है और आप ऑटो वो अटैक हुए थे जहाँ से थे आया शिव कॉलोनी का है ना। अब आप नाले बढ़ जाओ।